खबर गाजीपुर जमाना से, जहां कोतवाली क्षेत्र के देवैथा गांव में विद्युत विभाग एवं विजिलेंस की टीम द्वारा चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें कुल 48 करोड़ को चेक किया गया, जिसमें डायरेक्ट विद्युत चोरी करते हुए 10 लोगों को पकड़ा गया और 24 लोगों को मीटर बायपास करके विद्युत उपयोग करते हुए पकड़ा गया, जो सभी के खिलाफ विजिलेंस थाने में FIR दर्ज करा दिया गया है। वही मौके पर 12 नया मीटर स्थापित किया गया। शासकीय अभियंता हेमंत सिंह ने बताया कि देवैथा गांव में 80% लोग मीटर बाईपास करके फिक्स बिल बहुत दिनों से जमा कर रहे हैं। ऐसे लोगों की सूची भी मेरे पास है, जल्दी सभी लोगों को नोटिस भेजकर राजस्व क्षतिपूर्ति के रूप में रिकवरी की जाएगी एवं ऐसे लोगों के खिलाफ विजिलेंस थाने में FIR दर्ज कराई जाएगी। वही शिकायत बराबर मिल रही थी, लोग बिल जमा नहीं कर रहे एवं ज्यादातर लोग अवैध तरीके से विद्युत उपभोग कर रहे, जिसकी वजह से बराबर गांव का ट्रांसफार्मर जल जाता है एवं आए दिन गांव में तार टूट कर गिर रहा है। आगे उन्होंने यह भी बताया कि देवैथा गांव में लाइन लॉस बहुत ज्यादा है, जहां बराबर चेकिंग अभियान चलता रहेगा, जो भी बकायेदार उपभोक्ता है वह अपना बिल तत्काल जमा कर दे एवं समय से अपना मीटर रीडर से चेक करके सही बिल समय पर प्राप्त करे एवं मीटर कोई बाईपास न करे एवं जिसका कनेक्शन नहीं है वे लोग तत्काल झटपट पोर्टल पर ऑनलाइन कनेक्शन करा ले, अन्यथा चेकिंग के दौरान पकड़े जाने पर FIR के साथ साथ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। चेकिंग टीम में मुख्य रूप से विजिलेंस इंस्पेक्टर स्वदेश सिंह, विजिलेंस जेई पंकज चौहान, सहायक अभियंता कमलेश प्रजापति, अवर अभियंता तपस कुमार सहित विद्युत कर्मी उपस्थित रहे।